फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बेसन का हलवा बनाने चल रहे हैं। कि हमने एक कटोरी बेसन लिया है, इसका पहले हम घोल बनाएंगे। नए तरीके से हलवा बनाने चल रहे हैं, बहुत ही टेस्टी आता है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका पेस्ट बना रहे हैं। पहले ये हम इसका घोल रेडी कर लिए हैं। इसमें हल्का सा मीठा सोडा डाल रहे हैं, इसको मिलाएंगे। देखिए गाढ़ा ही बनाए हैं, पतला नहीं है। इसको चल रहे हैं छानने। हेलो, अब इसको हम क्या कहते हैं, तेल गर्म हो गया है, इसमें इस तरीके से डाल रहे हैं। टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, देख लीजिए। इसको भी हम अच्छे से बना देंगे। सिर्फ इसको हम फ्राई कर रहे हैं इसी तरीके से। ये इस तरीके से इसको हम बना रहे हैं, ये फ्राई हो जाएगा, हमको बेसन भूनने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और इसका बहुत अच्छा ना हलवा बनेगा, दरबरा एकदम सूजी जैसे हलवा रहेगा, बहुत टेस्टी आएगा। ये हमारा फ्राई हो गया है बेसन, इसको हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं सभी इस तरीके से। ये बेसन में फ्राई हुआ है, इसको मिक्सर में चलने देंगे पीसने। फिर जब थोड़ा ठंडा होने दीजिए तब पीसते हैं। ये हमारा ठंडा हो चुका है, इसको हम मिक्सी जार में पीस लेते हैं। हम दरबरा ही पीसेंगे सूजी जैसे, ज़्यादा महीन नहीं करेंगे इसको। लगभग छोटी गिलास से एक गिलास हमने दूध इसमें रख दिया, दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा होता रहे। और ये हम चीनी निकाले हैं एक कटोरी, जिससे हम बेसन लिया था उसी से थोड़ा कम चीनी लिए हैं, इसको डालेंगे हम। थोड़ा सा दूध हमारा पक जाए तो डालते हैं। ये मिक्सी जार में पीस लिए हैं, देख लीजिए जैसे मोटी वाली सूजी होती है उस तरह दरबरा है, ज़्यादा चिकना नहीं है। अब इसको हम डालेंगे। दूध हमारा पक गया है तो इसमें हम चीनी पूरा डाल देते हैं, डाल के मिला देते हैं, गल जाए हमारा। ये हमारा अच्छी तरीके से पक गया है, चीनी दूध दोनों देख लीजिए गाढ़ा भी हो गया है। इसमें हम ये डालेंगे, ये पीसे हुए हैं हम। इसको हम मिलाएंगे। ये हमारा हलवा दानेदार रेडी है, इस पर हम हल्की से 3-4 इलायची कूटे हुए हैं उसको मिला देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ बादाम और गरी मिला देते हैं। ये देखिए हमारा हलवा बन के रेडी है और एकदम ही खाने में भी बहुत टेस्टी है और दानेदार भी है सूजी जैसे। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है, इस तरह से आप लोग भी बनाइएगा। और मेरा तरीका पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।